एक जमाने में कांचीपुर नाम के राज्य पर राजा चंद्रसेन का राज था। उसके दो बेटे थे जिनका नाम लव और कुश था। दोनों ही युवा हो चुके थे। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था सुमन, जो बहुत ही बुद्धिमान था। राजा अक्सर अपने कार्य में मंत्री की सलाह लिया करता था। महाराज, आपके दोनों बेटे बहुत ही होनहार है। अब तो उचित समय आ चुका है कि उनका राज्य अभिषेक हो जाए। जी मंत्री जी, मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ चुका हूँ। लगता है महाराज, दोनों में से किसका राजतिलक करना है यह निर्णय आप कर चुके हैं। चाहे आप किसी का भी राजतिलक करें, दोनों तो आपके ही बेटे हैं। परंतु दोनों में बुद्धिमानी एक समान नहीं है। कुश में राजा बनने की सारी योग्यता है, वही लव बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है। इसलिए मैंने कुश को ही राज्य का कार्यभार सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि लव में राजा बनने की योग्यता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु महाराज, असली बात तो यह है कि मंत्री कुछ कहना चाहता था, परंतु वो बात को बदल देता है और कहने लगा, नहीं नहीं, आपने तो बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया होगा। कुछ दिनों के बाद लोग और कुश में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसे सुलझाने के लिए वो दोनों अपने पिता के पास जाते हैं। पिताजी, हम दोनों के बीच एक विवाद हो गया है। अच्छा, क्या विवाद है, जरा विस्तार से बताओ, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। पिताजी, हमारे राज्य में कई लोग बहुत ही गरीब है, उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तो ऐसे में उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इससे ना सिर्फ उनकी भूख मिटेगी, बल्कि लोगों में महाराज का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये योजना गलत है पिताजी। यदि कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या की जड़ क्या है यह जानकर उसका कोई पक्का उपाय करना चाहिए। इस तरह की अस्थायी योजना बनाने से समय समय पर वो समस्या फिर से आती रहेगी। भूखे लोगों की भूख मिटाना ही काफी नहीं है, बल्कि अनाज कैसे उगाते हैं ये उन्हें सिखाया जाए तो वो न सिर्फ अपनी भूख मिटाएंगे, बल्कि कई और लोगों की भूख मिटा सकेंगे। सिर्फ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए अगर काम करेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। दोनों के बातें सुनने के बाद महाराज कुछ देर तक सोचते रहते हैं और फिर अपने मंत्री की तरफ देखते हैं। महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबी को अगर जड़ से समाप्त कर दिया जाए तो यह एक सही फैसला होगा। यदि राज्य से गरीबी समाप्त हो जाएगी तो लोग राजा को भूल जाएंगे। इसीलिए मुझे कुश की बात सही लगती है, जबकि लव की सोच सही नहीं है। राज्य चलाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि योग्यता भी होनी चाहिए, और यह योग्यता लव में नहीं है। लव, अब तुम आगे से कोई भी गलत सलाह मत देना। मंत्री जी, कुश का राजतिलक करने की तैयारी कीजिए। महाराज कुश का पक्ष तो लेते हैं, परंतु लव का बात को गलत ठहराकर वो लव का अपमान भी करते हैं, और ये अपमान लव से सहन नहीं होता। इसीलिए वो बिना किसी को बताए एक दिन साधारण कपड़े पहनकर राज्य छोड़कर चला जाता है। वो कई नगर और कई गांव में घूमते घूमते एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वो जिस रास्ते से गुजर रहा था उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक संत लोगों को उपदेश दे रहे थे। लव भी वहीं पर रुककर उनका उपदेश सुनने लगा। लव ने एक आदमी से पूछा, महाशय, पुराने ग्रंथों और शास्त्रों की लिखी हुई बातों को इतनी सरलता से समझाने वाले ये कौन है? ये अग्निसर है।
इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी है। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है सरिता। ये जिसे भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं वो उनकी बेटी को पसंद नहीं आता। चाहे कितना भी समझा लो उनकी बेटी मानती ही नहीं। यही कारण है कि ये अक्सर दुखी रहते हैं। कथा समाप्त होते ही लव अग्निसर के पास जाता है और कहने लगा, गुरुजी आपने जो कथा सुनाई है उससे मेरे कई संदेह दूर हो गई है। अभी तक मैं सोच रहा था कि एक सन्यासी बन जाऊं तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, परंतु अब समझ में आ गया है कि संसार में रहते हुए भी शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लव की बातें सुनकर अग्निसर उससे बहुत ही प्रभावित हुआ और वो लव को पसंद करने लगे। बेटे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम कहाँ से आए हो? लव ने सच्चाई को छुपाते हुए कहा, गुरुजी मेरा नाम अर्पण है, बस मुझे इतना ही मालूम है। मैं बचपन से ही बिना माँ बाप के रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे घर पर आकर रह सकते हो। अर्पण उनका नियोता स्वीकार कर लेते हैं और उनके घर पर चला गया। उनके घर पर उनकी बेटी सरिता, जिसे कभी कोई पुरुष अच्छा नहीं लगता था, अर्पण को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुई। एक दिन सरिता अर्पण से कहने लगी कि क्या वो उसके साथ गांव के कुएं पर पानी भरने चलेगा। अर्पण उसके सहायता करने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ कुएं पर पहुंच जाता है। सरिता जानती थी कि इस समय कुएं पर कोई नहीं होगा। वहां पहुंचकर वो अर्पण से कहने लगी कि आम तौर पर मैं पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में एक इच्छा जगी है। आज रात पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए दूसरे गांव में जाने वाले हैं। मौका अच्छा है, तुम रात में मेरे कमरे में आ जाना। तुम्हारे पिता को मैं गुरु मानता हूँ और तुम उनकी बेटी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए इस प्रकार के विचार रखना मेरे लिए पाप है। तुम्हें भी ऐसे विचार नहीं रखना चाहिए। अर्पण के ऐसे कहने पर सरिता उसे बहुत ही समझाने लगती है, परंतु अर्पण के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर सरिता ने सोचा कि इसे सबक सिखाती हूँ। वो अचानक अपने हाथों की चूड़ियाँ तोड़ देती है, हाथों को खरोचने लगी और बालों को बिखरा कर रोने लगी। रोते रोते वो अपने घर पहुंची और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी अर्पण ने मुझ पर बुरी नजर डाली है। आपने एक अस्तिन के सांप को अपने घर में आश्रय दिया है। देखिए उस दुष्ट अर्पण ने मेरा क्या हालत कर दी है। संत जानते थे कि उनकी बेटी पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो ये बात मान लेते हैं कि अर्पण ने ही ये घिनौना कार्य किया है। शायद इसी इरादे से वो उनके घर पर आया था। दोनों पिता और पुत्री गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। मुखिया ने अर्पण को भी बुलाया। सरिता ने नाटक करते हुए झूठ को सच बनाकर मुखिया को कह सुनाया। मुखिया ने जब अर्पण से इस बात के बारे में पूछा तो अर्पण ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुखिया ने एक बार फिर से पूछा, अर्पण क्या तू अपराधी है, तूने ये अपराध क्या है? मुखिया के सवाल का कोई भी उत्तर दिए बिना अर्पण बिल्कुल शांत बना रहता है। तू कोई जवाब नहीं दे रहा, तूने चुप्पी क्यों साथ रखी है? इसका मतलब तूने ही अपराध किया है, इसीलिए तुझे दंड देना ही चाहिए। सरिता गुरुजी की बेटी है, ये बात जानते हुए भी तूने ये अपराध क्यों किया? न्याय के अनुसार तो तुझे इस अपराध का दंड ये मिलना चाहिए कि तेरे हाथ पैर काट दिए जाए, लेकिन पता नहीं क्यों
मेरा मन ये कहता है कि तू अपराधी नहीं है और सरिता के पास भी इस बात का कोई प्रमाण या गवाह नहीं है, इसीलिए मैं इस बारे में कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। जब मुखिया कोई भी फैसला नहीं ले पाया तो उसने इस मामले की सारी जानकारी उस राज्य के राजा देव वर्मा को दी। मुखिया जी, जब अर्पण इस अपराध पर मौन है और सरिता ने अपनी गवाही दे दी तो तुम्हें अर्पण को दंड देना चाहिए था। महाराज, अर्पण का शांत स्वभाव देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपराधी है। मेरे विचार में आप एक बार उन दोनों से मिले और फिर उनका पक्ष सुनकर सही निर्णय करें। ठीक है, मैं इस बारे में विचार करूंगा, तुम अभी जा सकते हो। देव वर्मा की एक बेटी थी जिसका नाम था यमुना, जो बहुत ही सुंदर और अकलमंद भी थी। महाराज को जब भी कोई संदेह होता था तो वो अपने बेटी से सलाह करते थे। इस बार भी उन्होंने अर्पण और सरिता का सारा मामला उसे कह सुनाया। तब यमुना कहने लगी, पिताजी, हमें उस संत सरिता और अर्पण को अपने सामने बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अपराधी और कौन निर्दोष है। अब उन तीनों को राज दरबार में बुलाइए। यमुना के कहने पर राजा तीनों को राज दरबार में बुलाकर पूछताछ करते हैं। पिता और पुत्री राजा के सामने वही बात कहते हैं जो उन्होंने मुखिया के सामने कही थी, परंतु अर्पण का शांत स्वभाव देखकर राजा को भी संदेह होता है कि यह निर्दोष है। सबूत ना होने पर अर्पण को दंड देने का मन देव वर्मा का नहीं था, परंतु अर्पण निर्दोष है इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं था। तब राजा अपनी बेटी की तरफ देखने लगे। उनकी बेटी यमुना उन तीनों को वही रहने को कहकर अपने पिता के साथ एक दूसरे कक्ष में जाकर कहती है, पिताजी, यदि यह समस्या हल करनी है तो इस मामले से जो भी जुड़ा है उनका आमना सामना करवाना होगा, तभी कोई फैसला निकल पाएगा। हमें उसी के लिए कोशिश करनी होगी। परंतु ये सब कैसे होगा? अब ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी। आप उनसे कहिए कि फैसला सुनाने में 2 दिन का समय लगेगा, बाकी का व्यवस्था मैं कर लूंगी। ये कहकर यमुना मुस्कुराने लगी। फिर यमुना के आदेश के अनुसार सरिता और अर्पण को राजमहल में ही 2 अलग अलग कमरे में ठहरा दिया गया। दोनों ही कमरे एक दूसरे के बिल्कुल पास ही थे। अभी तक इस अपराध का कोई गवाह नहीं मिला है, इसीलिए अब इस मामले में मैं और आप ही गवाह बनेंगे। आइए प्रमाण ढूंढते हैं। फिर यमुना अपने पिता को अर्पण के कमरे के पास ले गई। अर्पण के कमरे के दरवाजे में एक छेद था जिसमें से कमरे में क्या हो रहा है ये साफ देखा जा सकता था। राजा जब कमरे के छेद से देखा तो अर्पण बिल्कुल शांत दिखाई देता है। दूसरी तरफ सरिता अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। जब काफ़ी देर तक कमरे में कोई नहीं आता तो सरिता बेचैन होकर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। कमरे में इधर उधर टहलते हुए उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिसे वो खोलती है। कुंडी ना लगी होने के कारण दरवाज़ा आसानी से खुल गया। असल में यह दरवाज़ा उसे अर्पण के कमरे में ले जाता है। जब वो अंदर गई तो उसे अर्पण दिखाई दिया। वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सरिता ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। जब उसे लगा कि यहाँ पर कोई और नहीं तो अर्पण के नज़दीक जाकर कहने लगी, अब तो तुम्हें अवश्य ही दंड मिलेगा, तुमने मुझे ठुकराया है। मेरे सुंदरता पर तो लोग मरते हैं और तुमने मेरा तिरस्कार किया है। अभी भी वक्त है,
अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले लूंगी, वरना मेरा झूठ तुम्हारा प्राण ले लेगा। मेरे लिए दंड कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सच्चा हूँ, मेरे लिए यही काफी है, परंतु मैं तुम्हारी अनुचित मांग को पूरा नहीं कर सकता। वो दोनों नहीं जानते थे कि राजा दरवाजे के छेद में से ये सब कुछ देख रहा था। अगले दिन देव वर्मा सबको राज दरबार में बुलाकर कहने लगा, सरिता तुम एक कुटिल और दुष्ट लड़की हो, जबकि अर्पण बिल्कुल निर्दोष है। सरिता की इच्छा जब अर्पण ने पूरी नहीं की, तब इस पर झूठा आरोप लगाकर इसकी शिकायत की। होना तो ये चाहिए कि सरिता को दंड दिया जाए, परंतु सरिता के पिता को देखते हुए हम सिर्फ तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं, और साथ ही अर्पण को अपराध मुक्त किया जाता है। राजा ने पिता और पुत्री को जाने दिया, जबकि अर्पण को अपना अतिथि बना लिया। वो अर्पण को बहुत ही पसंद करते थे और अपने बेटी का शादी अर्पण से ही करना चाहते थे। पहले तो अर्पण ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु जब उसे पता चला कि यमुना के वजह से ही वो निर्दोष साबित हुआ है, तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उनके धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद लव ने राजा देव वर्मा को अपना सच्चाई बताई। मैं एक राजपुत्र हूँ, परंतु अपने पिता के व्यवहार के कारण अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर आ गया। तुम चाहे एक राजपुत्र हो या एक साधारण मनुष्य, अब इस बात का कोई महत्व नहीं है। आज के बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। मुझे खुशी है कि तुम जैसा समझदार व्यक्ति मेरी बेटी का पति और इस राज्य का होने वाला भावी राजा है।